आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के अथक प्रयासों से और आप सबके आशीर्वाद से, संत जनों के आशीर्वाद से, यहाँ के आम आवाम के जनमानस के आशीर्वाद से, आज हमारे चित्रकूट की पावन धरती से हवाई जहाज अब चलने जा रहा है। ये सौभाग्य का विषय है, इसलिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों ने वीडियो की शुरुआत में देखा कि आज चित्रकूट एयरपोर्ट का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा वर्चुअल रूप से होने वाला है। तो जिसको देखने के लिए दोस्तों मैं आपको ले चलता हूं चित्रकूट एयरपोर्ट। तो चलिए दोस्तों, जिसका हम सभी लोगों को बहुत दिनों से इंतज़ार था कि आखिर कब चित्रकूट एयरपोर्ट का उद्घाटन होने वाला है, तो चलिए दोस्तों हम ले चलते हैं आपको एयरपोर्ट। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं एयरपोर्ट के मुख्य गेट पर, जिस पर पुलिस प्रशासन द्वारा यहां पर काफ़ी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। यहां पर काफ़ी बड़ी मात्रा में लोग उद्घाटन समारोह को देखने के लिए आए हुए हैं एवं मुख्य गेट के दाहिनी तरफ बने पार्किंग स्थल में पार्किंग करने के लिए सभी को कहा गया है, जिसमें आप सभी लोग देख पा रहे होंगे बहुत ही बड़ी मात्रा में लोग यहाँ पर उद्घाटन समारोह को देखने के लिए आए हुए हैं। चलिए दोस्तों अब हम आपको ले चलते हैं एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग की तरफ। तो दोस्तों आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि सरकार द्वारा हमारी सुरक्षा के लिए विशेष रूप से पहले से ही सभी इंतजाम किए गए हैं। एम्बुलेंस एवं फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई हैं। तो चलिए अब हम लोग अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या तैयारियां उद्घाटन के लिए की गई हैं। तो यहां पर सभी लोग बैठे हुए हैं, आप सभी लोग देख पा रहे होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। तो आप सभी लोग देख पा रहे होंगे ये है टर्मिनल बिल्डिंग, जो पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गई है, इसलिए आज इसका उद्घाटन है, जिसमें आप सभी लोग देख पा रहे होंगे इसको बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री संजीव कुमार माननीय प्रधानमंत्री जी को नए टर्मिनल भवन का भ्रमण कराया और हवाई अड्डे के बारे में विस्तृत जानकारी दी। वर्तमान समय में यहाँ पर केवल लखनऊ के लिए ही फ्लाइट उपलब्ध है, आगे चलकर इसमें चालू होगी। तो चलिए अब हम आपको ले चलते हैं टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर और दिखाते हैं टर्मिनल बिल्डिंग किस प्रकार से बनाया गया है। तो देखिए आप लोग, यहाँ पे टर्मिनल बिल्डिंग या एयरपोर्ट का पूरा नक्शा दिया गया है। यहाँ पर जो टर्मिनल बिल्डिंग है उसकी फोटो दिखाई गई है और इसमें ये लिखा है कि एयरपोर्ट कितने लागत में और कैसे कैसे बना हुआ है, कब काम लागू चालू हुआ था। इसमें एयरपोर्ट का नक्शा है। तो चलिए अब हम आपको ले चलते हैं कार्यक्रम स्थल की ओर और देखते हैं कि कार्यक्रम स्थल पर किस प्रकार से कार्यक्रम चल रहा है। हवाई अड्डा स्थापित होता है, वहीं से आर्थिक पहिए घूमने शुरू हो जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों से, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के अथक प्रयासों से और आप सबके आशीर्वाद से, संत जनों के आशीर्वाद से, यहाँ के आम आवाम के जनमानस के आशीर्वाद से, आज हमारे चित्रकूट की पावन धरती से हवाई जहाज अब चलने जा रहा है। ये सौभाग्य का विषय है, इसलिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ। इसमें आपका सबका आशीर्वाद रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से देश की कुर्सी संभाले, योगी आदित्यनाथ जी जब से सत्ता में आए, लगातार चित्रकूट के विकास के लिए, यहाँ के पर्यटक के विकास के लिए लगातार प्रयासरत है। तो दोस्तों आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी एक कमेंट में जरूर बताएं एवं वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।